यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत पुरजोर है। सूबे में वादों और सौगातों का दौर लगातार जारी है और सियासी सरगर्मियों के बीच एक तस्वीर सामने आई जिसमें एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत एक साथ नजर आ रहे हैं और अब इसी तस्वीर पर घमासान भी छिड़ा हुआ है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक ही सोफे पर एक तरफ है एसपी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव, दूसरी तरफ है संघ प्रमुख मोहन भागवत। इस तस्वीर में संघ प्रमुख केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ट्वीट की, लेकिन इस तस्वीर ने यूपी की सियासी गलियारे में सरगर्मी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर लोग अर्जुन मेघवाल से ज्यादा मुलायम भागवत मुलाकात पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए तंज कसा गया है। कांग्रेस ने लिखा है कि नई सपा में सा का मतलब संघवाद है। दरअसल राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी संघ की कट्टर दुश्मन है। मुलायम और मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार संघ पर निशाना साध चुके हैं। वहीं संघ से जुड़े संगठन मुलायम सिंह यादव पर कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप लगाते रहे हैं। राजनीति के मैदान पर एक दूसरे के दुश्मनों की तस्वीर जब सामने आई तो चर्चा होनी ही थी। पर हम बता दें, तस्वीर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर की है जहां ये दोनों लोग शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। एक ही सोफे पर बैठकर दोनों नेताओं ने नाश्ता किया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। अब 20 मिनट की मुलाकात पर बड़ा सियासी सवाल शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में इस तस्वीर से एसपी को भी खूब घेरा जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।